सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अमित पुद्रा। तो एक स्वागत है हमारे चैनल कारेन टेक्निकल न्यूज पर। और आज मैं आपको बोलने वाला हूं कि अगर आप डेस्कटॉप या लैपटॉप यूज करते हो तो उनमें से ये प्रॉब्लम कॉमन है कि उनमें से सी छोड़ के डी पार्टीशन शो नहीं कर रहे। कभी कभी आप कंप्यूटर को फॉर्मेट किया तो फॉर्मेट करने के बाद सी छोड़ के डी पार्टीशन शो ही नहीं कर रही वहाँ पर। मेरा यहाँ पर आप अच्छी तरह से देख सकते हो, इस कंप्यूटर में मेरा 1 TB हार्ड डिस्क है और मैंने फॉर्मेट किया और फॉर्मेट करने के बाद सिर्फ सी यहाँ पर शो कर रहे हैं और डी मैंने क्रिएट किया मगर नहीं शो कर रहे। सिर्फ सी यहाँ पर 300 GB और मेरा 700 GB कहाँ गया, वो शो ही नहीं कर रहा है, वो टोटल हिडन है। तो ये प्रॉब्लम हो सकता है कंप्यूटर में। सपोज आपका कंप्यूटर में सी छोड़ के डी पार्टीशन शो ही नहीं कर रहे, तो उस पार्टीशन को आप कैसे ले आ सकते हो, तो उस हिडन पार्टीशन को आप कैसे शो कर सकते हो फिर से, तो सारा कुछ मैं यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगा, तो आए स्टे करते। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. सो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हो यहाँ पर इस कंप्यूटर में अभी फॉर्मेट किया, तो फॉर्मेट करने के बाद यहाँ पर मैं अच्छी तरह से दिखा रहा हूँ आपको। यहाँ पर मैं जिस पीस थी यहाँ पर सी सेफ शो कर रहा है, यहाँ पर 300 GB, उसके बाद शो ही नहीं कर रहा है। मेरा 1 TB हार्ड डिस्क है टोटली, वो शो ही नहीं कर रहे। तो इसको शो करने के लिए आपको क्या कुछ करना होगा, तो अच्छी तरह से मैं यहाँ पर आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहले मैं यहाँ पर दिस पीस थी राइट क्लिक यहाँ पर मैनेज है, और मैनेज में जाने के बाद यहाँ पर आपको एक पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप अच्छी तरह से देखो, यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट नीचे है, आप देख सकते हो डिस्क मैनेजमेंट, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा डिस्क मैनेजमेंट में। और क्लिक करने के बाद यहाँ पर एक आपको जितना सारा हार्ड डिस्क में पार्टीशन है सारा कुछ शो करेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये दोनों पार्टीशन शो नहीं कर रहे, तो सिर्फ सी शो कर रही है यहाँ पर। अच्छे देख सकते हो ये दोनों पार्टीशन है यहाँ पर, और इसको मैं साइड में रखता हूँ, अच्छी तरह से आपको दिखा देगा एक एक करके पार्टीशन में शो कर रहा हूँ। यहाँ पर इस पार्टीशन में राइट क्लिक करना होगा आपको, राइट क्लिक, और उसके बाद चेंज टाइप वॉल्यूम, और उसके बाद ऐड करने के बाद यहाँ पर जो कुछ रख दो और उसका नाम चेंज कर दो, यहाँ पर एज कर दो, और उसके बाद ओके कर दो। हो गया, देखो यहाँ पर पार्टीशन आ गया, आप देख सकते हो यहाँ पर पार्टीशन आ गया। तो इस पार्टीशन को आपको फॉर्मेट करना होगा पहले, तो फॉर्मेट करने के बाद ये शो करेगा। तो यहाँ पर एक पार्टीशन मैंने ले आया, यहाँ पर शो कर रहा है अभी, देखो ये आ गया आपका पार्टीशन, देखो आ गया आपका पार्टीशन। तो मैं यहाँ पर दूसरा पार्टीशन को ले आ सकता हूँ, राइट क्लिक और दिस चेंज पार्टीशन ऐड, और यहाँ पर डी नाम चेंज कर दो, यहाँ पर नेम जो है ये करता हूँ ओके, उसके बाद ओके। अब देखो दूसरा नंबर पार्टीशन आ गया, यहाँ पर शो कर रहे हैं। तो देखो मैं यहाँ पर फॉर्मेट करने के लिए बोल रहा है, ये दूसरा नंबर पार्टीशन को भी मुझे फॉर्मेट करना है, तो यहाँ पर मैं इसको फॉर्मेट करता हूँ। यहाँ पर ओपन ऑटोमेटिक फॉर्मेट आ जाएगा, फॉर्मेट डिस्क, और देखो स्टार फॉर्मेट ओके, उसके बाद हाँ हो गया। देखो ये मेरा जो बाकी बाजार जितना सारा GB था वो आ गया, दो पार्टीशन आ गया, टोटल 100 GB मेरा हार्ड डिस्क है, यहाँ पर दो पार्टीशन आ गया। देखो ऐसे करके आप आपका हिडन पार्टीशन को आप ले आ सकते हो बड़ी आसानी से, और नहीं शो कर रहे तो ऐसे करके शो कर सकते हो उसको। तो ये बहुत आसान प्रोसेस था। तो अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, फिर दोस्तों जरूर शेयर करना। अगर वो भी ये दिक्कत में है कि उसका जो पार्टीशन है वो शो नहीं कर रहे, उसका हार्ड डिस्क में पार्टीशन, तो ऐसे करके वो शो कर सकते हैं उसका हार्ड डिस्क का पार्टीशन। अगर आपका कोई भी सवाल है इस वीडियो को लेके तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बोल सकते हो। अगर इस चैनल खानी न्यूज का अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह नजर वीडियो पाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं नया वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो आज चलते हैं, मिलते हैं बहुत जल्द कोई नया वाला वीडियो में। तो टुडे इज ओके, टेक केयर, गुड बाय एंड टाटा।